अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली क्रिकेट इन्फो यानी यूट्यूब चैनल। सामीन, पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले मैच तो जीता, वन साइडेड ही जीता, हांगकांग को दबा के रखा। पाकिस्तानी बॉलर्स चाह ही रहे, हावी रहे हांगकांग बल्लेबाजों पर। हांगकांग टीम को 50 रन होने ही नहीं दिया। पाकिस्तान की टीम ने हांगकांग को 38 रन पर ही ढेर कर दिया। 156 रन से पाकिस्तान ने इस मैच में फतह हासिल कर दिया है। जी हाँ समीन, पाकिस्तान नेट रन रेट में अब इंडिया से आगे हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी विकेट मार्जिन से हांगकांग को शिकस्त दिया। 156 रन से पाकिस्तान ने हांगकांग को हरा दिया। समीन, पॉइंट टेबल के मुताबिक इंडिया अब भी सब फरार रिश्ते हुए, इसलिए कि इंडिया ने दोनों ही मैचेस जीत चुके हैं। इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। रन रेट में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, लेकिन पॉइंट टेबल में पाकिस्तान इंडिया से पीछे है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद है। सामीन, अब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इंशाल्लाह इतवार वाले दिन शाम 7 बजे हम इंडिया से बदला लेने के लिए अब तैयार बैठे हुए हैं। जिस तरह इंडिया ने हमको शिकस्त देकर हमारी नींदें उड़ाई हुई थी, तो इस तरह अब हम जो है इंडिया की जो है नींदें उड़ाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अब फॉर्म में वापस आ चुका है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए पूरे 20 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 193 रन का पहाड़ जैसा हदफ हांगकांग के सामने रख लिया। हांगकांग की टीम 38 रन पर ही ढेर हुई। 10.3 ओवरों में 38 रन पर ही हांगकांग की पूरी टीम बैठ गई। जिन 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 हांगकांग का जो मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझसे बात नहीं हो पा रहा, जितना उनसे उनको अपनी टीम पर एक्सपेक्टेशंस थे, उनको उनके फैंस को जितने अपने टीम पर भरोसा था कि यार आज हमारा टीम जिस तरह क्वालिफाइड मैचेस में तीन मैचेस में से 3 ही जीते हुए थे, तो इंशाल्लाह वो आज करके दिखाएंगे, पाकिस्तान को हराएंगे। यार जिस तरह ने इंडिया के खिलाफ फाइट बैक किया हुआ था, 150 तक वो आ चुके थे, तो मैंने कहा यार ये ना हो कि कल हांगकांग पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा ना करे कि हमें हरा दे, क्यों ये ना हो कि हमारे बैटिंग ना चल सके और इस वजह से हम जो है हार जाए। बैटिंग आज भी हम स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये तो ये अच्छा था कि फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने थोड़ा बहुत पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने लॉन्ग हिटर हिटिंग शुरू की, तो इनकी भी तारीफ की जाएगी। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि यार बाबर आजम को हो क्या गया है, किसने बाबर आजम पे ऐसे चुप करके काला जादू कर दिया, और कि बाबर आजम के बल्ला खामोश है, चल नहीं पा रहा। इंशाल्लाह आई होपफुल कि इंशाल्लाह बाबर आजम इंडिया के खिलाफ अपने इस परफॉर्म को वापस ले आएंगे, जिस तरह विराट कोहली ने हांगकांग के खिलाफ अपने परफॉर्मेंस को वापस ले आया, तो इस तरह बाबर आजम भी इंडिया इंडिया के खिलाफ जो है अपने इस परफॉर्मेंस को वापस ले आएंगे। तो शामी, अब सुपर 4 की टीम्स कंफर्म हो चुकी हैं। कल जो मैच खेला जाना है, सुपर 4 का पहला मैच एशिया कप का बाकायदा आगाज कल से होने जा रहा है। असल एशिया कप का आगाज सुपर 4 जिसको कहा जाता है हो चुका है। बदकिस्मत से बांग्लादेश और हांगकांग तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब क्या रह गए हैं, श्रीलंका अफगानिस्तान आपस में कल टकराएंगे, फिर परसों पाकिस्तान और इंडिया टकराएंगे। पाकिस्तान को ये मैच हर सूरत में जीतना है। अगर पाकिस्तान हार जाता है तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान और श्रीलंका को हर सूरत में, जिस तरह हांगकांग को बड़ी मार्जिन से हराया, तो इनको भी बड़ी बड़ी मार्जिन से हराना होगा, ताकि आपके नेट रन रेट अच्छा हो, ताकि आप इंडिया के साथ फाइनल में जा सके। तो खुदा रहा आप तीनों मैचेस जीत जाए कि आसानी से आप फाइनल में जाकर बैठ जाए। ये ना हो कि डू डाई का सिचुएशन हो, अगर मगर का सिचुएशन हो, तो इसमें फिर बात नहीं बन पाता। तो इंशाल्लाह हम इंडिया से जीत तो खुद जाएंगे कि हम अफगानिस्तान से भी जीत जाएंगे, हम श्रीलंका से भी जीत जाएंगे, और इंशाल्लाह अब सुपर 4 में इन तीन टीमों को निकाले, पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका, इनमें से सबसे स्ट्रांग टीम जो मुझे नजर आ रहा है। अगर आप लोग को जो टीम मजबूत नजर आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपना टीम कि सुपर 4 में अब बेस्ट टीम कौन सा है। मेरे ख्याल में तो बेस्ट टीम जो है अफगानिस्तान से कोई और नहीं है। इनके पास बैटिंग भी मजबूत है, इनके पास स्पिन अटैक, जितना ज्यादा दुबई में स्पिन चलता है, आज भी पाकिस्तान के स्पिनर्स ने हांगकांग को रोक के रख लिया। अदरवाइज शादाब ने 4 विकेट ली, नवाज ने 3 विकेट ली, इफ्तिखार ने 1 ओवर किया, उसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए। अफगानिस्तान के पास राशिद खान, मुजीब,
कैसर है, मैं ख्याल समथिंग इन नाम मेरे जहन में नहीं आ पा रहा, मोहम्मद नबी है उनकी कैप्टन, ये भी स्पिन कराते हैं, बहुत अच्छी स्पिन करते हैं, तो इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये इंडिया को भी रोक सकते हैं, ये पाकिस्तान को भी रोक सकते हैं, श्रीलंका तो खैर बाद की बात है, तो इंशाल्लाह हो सकता है मेरे ख्याल में, जो मुझे इस वक्त माइंड कह रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ कि शायद 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 इस बार एशिया कप के फाइनल में आप जीतना तो दूर की बात है, शायद फाइनल में मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान होगा और अगली टीम आई डोंट नो कि इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा, श्रीलंका होगा, लेकिन लग रहा है कि अफगानिस्तान फाइनल तक तो जाएगा जाएगा। अगर अगर हम तो ये चाहते हैं कि फाइनल में इंडिया पाकिस्तान को हम देखना चाहते हैं कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप का बड़ा फाइनल जिसको बिग फाइनल कहा जाएगा उसमें जो है पाकिस्तान और इंडिया हो तो क्या ही मजा, कुछ और होगा, लेकिन अब हमें सोचना आगे के लिए संडे को है कि संडे को हम इंडिया से बदला लेने वाले हैं और उसके बाद हम अफगानिस्तान श्रीलंका को भी हार कर फाइनल में जाएंगे इंशाल्लाह, एशिया कप हम जीतेंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज अली क्रिकेट एंड फॉर क्या यूट्यूब चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। एनर्जी मेरा ऐसे ऐसा डाउन होता जा रहा है, गला मेरा बैठ गया है, अब तक इतना ही, बाय।